आती नहीं पी है। और मीडिया जाओ, इतना जाओ, लोगों के गाल करो, लेकिन मेरा ख्याल है कि सैलाब की एमरजेंसी सराय के वास्ते सेकेंडरी एमरजेंसी, सारे वास्ते भी प्राइमरी एमरजेंसी क्रिएट की गई है। और वो एमरजेंसी है सराय की सूबे की, गाल ये है कि सैलाब होवे, कोई भी डिजास्टर होवे, कोई भी चैलेंज होवे, जेल में तुम्हारे को सेल्फ रूल कहनी, जे वे हक के हुक्मरानी कहनी, जे वे तुम अपने मसायल के मालिक कहनी वे, तो तुम्हारे वास्ते पूरी जिंदगी एमरजेंसी है। तो इन सेंस के विच ठीक है, सैलाब एक एमरजेंसी है, लेकिन उस सैलाब को निपटन किते कितना प्रोग्राम बन सकता, वो प्रोग्राम मर्सी लाहौर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वैसी पटवारी इन्फॉर्मेशन की जैसे वाला उत्ता बेटा हुआ एक बैरोक्रेट, उन्हें इन्फॉर्मेशन पूरे सी दुकानी है चेंग मुतासर था फला पे चोटी है चेंग मुतासर था फादर पूरे ना उनका कोई ताल्लुक हो सी ना उनकी कोई कुर्बा हो सी, जो प्लान अगर मुल्तान है बने आ तो साफ जाहिर है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑन ग्राउंड, उनकी प्लानिंग है, वसाइल की एलोकेशन है, वो भी हो गया। तो मैं पहली बात तो यह एम्फेसाइज करना चाहता कि सैके की एक परपिचुअल मुस्तकिल एमरजेंसी जी है ना, वो सूबे की शक्ल आ चुकी है, जैको सागू देखने के असं एमरजेंसी ना किवें निपटू। अच्छा एमर ई एमरजेंसी का ताल्लुक जरा है ना, वो इंटरनल कलोनियलिज्म एक टर्म इस्तेमाल की दिए कि जिस वेले अंदरूनी तौर उत्ते कई मुल्क दे विच कई इलाके दे रिसोर्सेज को कलोनाइज कर दिया गया। रीसेंटली इंडिया दे एक स्टडी थी है, पहले भी था कि जिस वेले रिसोर्स कलोनियलिज्म थी दे तो रिसोर्स कलोनियलिज्म के नतीजे दे विच कीवें रिसोर्स एक्सट्रैक्शन थी दी है, यानी एक इलाके दे वसायल चवीच के वे इलाके चलते। इंडिया दे विच 100 साल कलोनियलिज्म रहा है ब्रिटिश का, और रीसेंट स्टडी ने दिसे कि 45 खराब यूएस डॉलर जो है ना 150 साल दे विच इंडिया कने ब्रिटिश मुंतकिल है 45 खराब। मैं को अंदाजा है कि असा सरैकी जो है ना जो पैसे को डॉलर तब्दील करे दे है तो असा गड़बड़ा भी दें 45 खराब यूएस डॉलर को असा जो वे अपने रुपीज करे सो तो मेरा ख्याल इतना खराब शराब बुक वे सक सा को बेफिक्र बोलने को सर कि कितना वड़ा रिसोर्स है। अच्छा वो मैं तो इजा अक्सर सारे सराकी इलाके ना की थी लैंड की सूरत खराब सपोर्ट प्राइस की सूरत टैक्सेशन की सूरत पिछले 70 साल के इलाके में कितना पैसा गए और कितना आए एक एक्सरसाइज करो एक खरबे रुपए के मामला में ये कुछ आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और एक दोस्त ने रिसर्च की थी ये भला ये जरे वेले सारा का सारा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन थी दिए ये जरे वे लिए भला बजट जन बजटरी सपोर्ट आते वो क्या एलोकेशन थी दिए। मिसाल के तौर पर ऐसा एक लंबी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है न वजू असा एक NFC अवार्ड का मैंबर है असद साहिद साहब सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे दे वो कहते यार ये सारे 13 जिले हैं फर्ज करो सराकी सूबे का बढ़ दे इधर NFC कितना शेयर बढ़ सी तुसा इधर दर सब कैलकुलेट कर लो क्योंकि फार्मूला है फार्मूले के हिसाब के नाल तुसा अपना शेयर आराम से कट सकते हो फार्मूले च रेवेन्यू है उनके तरह मतलब है कि आबादी है उनके अंडर डिवेलपमेंट है त्रै चार फार्मूले के मेन चीज़ा है उन्हें आगे 438 अरब रुपया सराकी सूबे का NFCH अवार्ड का हिस्सा बन वो इकोनॉमिस्ट है NFC अवार्ड का मैंबर है प्रेजेंट जो NFC कमीशन है उनका मैंबर है वो फार्मूले के तहत उन्हें आखिर 438 अरब रुपया। और दिलचस्प गल है कि NFC अवार्ड अगर सराकी सूबा बढ़ते तो पहले नंबर के पंजाब दूजे नंबर से सिंध तीजे नंबर से सराकी इलाके का हिस्सा हो सी पख्तूनख्वा का भी थोड़ा हो सी बलूचिस्तान का भी थोड़ा हो सी यानी जनरल भी सूबे बढ़ते हैं। सूबे बनने का क्या म्यार होंगे एक म्यार है उन्हें कि भाई तुसारा क्या तुस अपने रेवेन्यू के वायबल आओ इकनॉमिकली वायबल आओ क्या जरा सूबा बढ़ता पे उन्हें जितने मसाइल लेन के वो अपने मसाइल को खर्च कर करें एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी सारा चीज़ा कर सकते तो सराकी तो पाकिस्तान का त्रीजा वायबल सूबा बन दे पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी उन्हें हेठ आ गए NFC के हिसाब के आखिर मैं ये चाह रहा कि बेसिकली ये जी रिसोर्स एक्सपेक्शन थी पी है ये एक बहुत वाला ध्रोह है
सैलाब कने भी वड्डा एक सैलाब है और सरायकी सूबा सारे वास्ते एक एमरजेंसी है। अच्छा ये एमरजेंसी को अगर ऐसा निपटण है तो साथ में सा थोड़ा जहाँ अपने इलाके सूबे की तहरीक का जायजा लें। सूबे की तहरीक सब कने वड्डी रुकावट का हो सूबे की तहरीक के सब कने वड्डी रुकावट सारी पोलिटिकल इलीट उनकी एक वजह है ना उनकी वजह है कि भाई पाकिस्तान के कोई भी इक्वल स्ट्रेटेजिक वोटिंग के कुछ प्रोविंसेस कुछ स्टेट्स मिसाल के तौर पर इंडिया के इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश का स्ट्रेटेजिक वोट होंगे जरा उतना जिते सी हकूमत सेंटर की उत्तर प्रदेश बने दे उतना पाकिस्तान के सेंटर की हकूमत सराकी बसेर बने दे एक गल मेरे कोई भी डिबेट कर दिनो उनकी वजह है कि पंजाब फिक्स उनका वोट एक जाग उत्ते जगड़ियाँ के पिछले इलेक्शन तो साढ़े को पंजाब सिंध का वोट एक अपनी जात उत्ते खास तरीके नाल फिक्स है जिहड़ा फ्लैक्सीबल पंजा सीटें का इलाका है वह तो सराकी इलाका है जिहड़ा स्ट्रेटेजिक वोट को होल्ड करेंगे वह तो सराकी इलाका है लेकिन वो स्ट्रेटेजिक वोट को इस्तेमाल कौन करेंगे वह बदकिस्मती दे नाल सारे जिहड़े जिहड़े जेको सा इलेक्टेबल क्लास आते हैं जेको सा पोलिटिकल क्लास आते हैं जेको सा इलीट्स आते हैं उन्हें कोई चीज़ का एहसास ही करी। मैं तौसे दान हाँ मैं अपने नुमाइंदे नाल वंजा मिला मैं जरा एम एन ए एम पी ए वो गल करा वो इमेजिनेशन कहनी कि कहनी पावर रख दे और उत्थां अलेदे नहीं उत्थां गाल नहीं करेंगे आखण का मतलब यह है और मैं उन्हें उत्ते ही इल्जाम नहीं लगा पाया कि उन्हें यह कह रही गाल यह है कि 150-200 साल की इंटरनल कलोनियलिज्म के बाद सारी पोलिटिकल इलीट की हालत भी पिथर पी चुकी है। मैं नहीं आता बैठा कि कहीं उत्ते मैं इंडिविजुअली आता बैठा गाल यह कि इंटरनल कलोनियलिज्म परपिचुअल कलोनियलिज्म उसके नतीजे के पोलिटिकल क्लास अपने क्लास इंटरेस्ट कोई नहीं देती कोई सूबा बन सी तो मैं तो मिनिस्टर नहीं बन सा कोई मजारी बन सी मतलब गुरचानी बन सी तू सद ना बन सो अगर एन एफ सी एच हिस्सा सी तो पोलिटिकल क्लास भी बेनीफिशरी हो सी। ट्रेजडी यह है कि सराकी इलाके की पोलिटिकल क्लास अपने क्लास इंटरेस्ट को भी नहीं देख सकती क्योंकि उन्होंने तुम्हारे इंटरेस्ट के ना साढ़े सात तो बाद सूबे का इस मतलब फायदा मिल सी ना सैनेट तुम्हारी नुमाइंदगी एन एफ सी ए तुम्हारी नुमाइंदगी पानी के मसायल के मतलब है कि शेयर अलहदा थी यह तो सारा फायदे का खेल है कि शह है जी सारी पोलिटिकल क्लास को रोकता हो कि वह हित मुठ थी कने मैं लंबी डिबेट नहीं वेगा इस वास्ते कि सूबे नवे स्टेट्स तहरीक अंग्रेजों के दौर कने गिन गिने इंडिया के चल रहे इंडिया 28 नवे सूबे बने उनका डायनामिक्स हो हर जहाँ से जितना नवा सूबा बने उतना पोलिटिकल क्लास का इंपॉर्टेंट रोल जितना नवा सूबा नहीं बनया उतना पोलिटिकल क्लास को इलाके की फेर थी है। तेलंगाना नवा सूबा बने आंध्र प्रदेश के 5-6 साल पहले उतों की पोलिटिकल क्लास एक्टिव रोल प्ले की है तो सूबा सारा एमरजेंसी है और वो एमरजेंसी के वड्डी ब्लॉकेट मैं समझदा कि ना मतलब यह है कि असा नारा मरें तख्त लाहौर है वो हो सी कोई कुबिया नारा मरें वो है लेकिन सबू जब इंट्रोवर्शन या इंट्रोस्पेक्शन आ गए अपनी ध्रुव भी नहीं करनी चाहिए सारी वड्डी रुकावट सारी पोलिटिकल क्लास भी है और वो कुछ चेंज करना पो सी असा नहीं चाहते कि सारे को एक्सेप्टेबल कर रही लेकिन उन्हें एजेंडे को जाना पोसी जरा मसेब के एजेंडे का मफाद है जरा इन लोगों का मफाद है भावें थोड़ा जहाँ सूबे की कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लीमेंट्री पॉलीटिक्स को भी समझने की जरूरत है महमूद अंसर साहब बैठे ये पुराने पार्लीमेंटेरियन ने समझे दिन भाई टू सूबा बनाने वास्ते कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है 2/3 मेजॉरिटी नैशनल असेंबली पास थी 2/3 मेजॉरिटी सैनेट कने पास थी और 2/3 मेजॉरिटी सूबाई असेंबली कने पास थी एक कंसेंसस जरा है ना पूरी पाकिस्तानी स्टेट का कंसेंसस इन्हें वास्ते चाहिए है और मैं वो आगा के मतलब ही कंसेंसस से की थे कि सराकी पॉलिटिकल कल्चर असा इसे बदले दे असा अपनी हर चीज़ को सराकी सूबे नाल मिथी नहीं से करें दे और सराकी पॉलिटिकल इलीट जरा भी मेन स्ट्रीम पार्टी नाल नेगोशिएशन करें दे वो इन चीज़ को कंडीशनल नहीं करें दे तो इतना बड़ा कंसेंसस नहीं आ सकती सर
ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਬਲਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੀਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਵਾਸ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਰਾਣਾ ਸਲਾਹਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਬਈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣੇ ਸੈਂਤੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਨੇ ਪੋਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਆਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਇਫ ਇਟ ਵਾਸ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਦਾ ਦੋਖਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਅਬ ਤਰੀਕ ਕਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾਂ ਸਰੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋ ਕਿੱਥਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਇੰਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਜ਼ਾਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਉਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਵੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ੈਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਕਿ ਹਮ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਬੱਚੂ ਉਹ ਕਿੰਨੋ ਚੁੱਪ ਥਈਏ ਬਈ ਕਿਉਂ ਥਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਅਦਮ ਇਤਬਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਲਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਨੇ ਆ ਵੱਡੀ ਲੋਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਦਮ ਇਤਬਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਲਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਯਾਦ ਚ ਕਰੋ ਟੀਵੀ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਉਂਡ ਸਹਿ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦੇ ਗਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਕਿੱਥਾ ਗਿੰਨਾ ਹੈ ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿੰਨਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸਰੈ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਬੜੇ ਸੂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਸ 3-4 ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਥੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 3-3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਾਕੂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਉਸੜਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮਾਰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਹੈ ਫਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੋ ਨਿਦਿਆ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਨ ਸੈਲਾਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਸਟਰਕਚਰਸ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਦੇਣ ਨਾ ਮਸਲ ਬਿਰਾਜ ਹੈ ਡੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਸੁਪਰ ਫਲੱਡ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਸਿਊਮ ਕਰੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫਲੱਡ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਉਂਸੇ ਦਾ ਉਹ 40 ਸਾਲੇ ਚ ਸੀ 2010 ਦਾ ਫਲੱਡ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਬੁੱਢਾ ਪਿਆ ਹੈ 2013 ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਥੇ ਡੀ ਜੀ ਖਾਨ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿਆ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੱਡ ਹੈ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਈ
फ्लड का नुकसान लाओ, 15 अरब डॉलर जरा 2010 का फ्लड है उसका हिसाब लाओ, और उन्हें टू फ्लड के हिसाब 5 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान जरा ना पिछले 12 साल बीत चुके। अगर कैलकुलेट करो प्रॉपरली तो 5 अरब डॉलर का पाकिस्तान का फ्लड डैमेज पिछले 12 साल बीत चुके। तो इस सेंस च ये भी एक एमरजेंसी तो बनती है। पाकिस्तान का इरीगेशन स्ट्रक्चर वाटर स्ट्रक्चर ओवर बिल्ट है। पाकिस्तान दे विच अगर 5 करोड़ एकड़ इरीगेशन थी सकते तो अस 7 करोड़ एकड़ इरीगेशन रखते हैं। इहदा मतलब यह है कि अस अपने इरीगेशन सिस्टम को ओवर बिल्ट किया हो, जितना अस इरीगेशन कर सकते हैं उतने ज्यादा वड्डा कमांड एरिया बनाया। नतीजा उहदा क्या निकलता पाया, उनका नतीजा यह निकलता पाया कि जिस वेले भी फसलें के मौसम आते बुआई का एक नेचुरल स्केर्सिटी बन जाती है। जेरा पानी तो 140 मिलियन एकड़ फीट इंडस रिवर सिस्टम का टोटल पानी 140 मिलियन एकड़ फीट है। उ पानी को जिस वेले तुसा टोटल डिवाइड करो 5 करोड़ एकड़ पूरा मतलब इरीगेट कर सकते हो, तुसा 7 करोड़ कमांड एरिया बनाई पाओ 7 एकड़, तो यकीनन स्केर्सिटी हो सी। और उस स्केर्सिटी का नतीजा है कि हर वेले इरीगेशन स्केर्सिटी के नतीजे जेड़े होंगे झगड़े होंगे। इरीगेशन इरा इज ओवर, इरीगेशन एक्सपेंशन इज ओवर, डैम बिल्डिंग इज ओवर। इन वास्ते कि असा ओवर बिल्ड कर चुके हैं, हम सबको मजीद सहरावे के जिम्मे आते ना बिबलीकल एक वो इमेजिनेशन है कि भाई वो ग्रीन इन द डेजर्ट, हम सबको सहरावे को जो है ना गुलो गुलजार करने की जरूरत कह नहीं, वो कोई अरब का इमेजिनेशन और खाब आई सहरावे को गुलो गुलजार करने की। सारा जरा इरीगेशन सिस्टम है इट इज ओवर बिल्ड, और सारा जरा इशू है वो डू है वाटर के हवाले। नंबर वन ड्रेनेज, ड्रेनेज इज द मेन इशू। ही फलाट ने दस दिते कि सबू अब निकासी के सिस्टम को देखना पोसी, उनका मतलब है सबको अपनी सारी डिवेलपमेंट प्लैनिंग जी है वो निकासी के हिसाब न करनी पोसी, और उस हिसाब के नाल चाहे रोड्स हैं चाहे कैनाल्स हैं चाहे कुनिया चीज़ें हैं चाहे सेटलमेंट्स हैं। और पूछा यह है कि सबको स्केयरसिटी नाल कोप करने का प्लान करना पोसी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का दूजा मतलब यह भी होते कि स्केयरसिटी ते फ्लड एक बे को इंटरचेंज करें रह। और एक आम गल नहीं, ये मलिक चनर साहब बैठे ये जून दे विच मई दे विच भावलपुर दे विच कई मरदियां पईयां हजारां कई मोए उन्हें ना तस्वीर है सोशल मीडिया दे उत्ते उन्हें दी एक पूरा फ्लैश किया पिया जून दे एंड इच प्री मूनसून फ्लड है। इक्के साल स्केर्सिटी भी थी उन्हें इक्के साल फ्लड भी आने ने। इहदी इमेजिनेशन करन इहदे मुताबिक प्लैनिंग करन, मैं नहीं आता कि प्लैनिंग नहीं तो डायलॉग कर स्टेट्स का यह काम है। बहरहाल इको असा जो है ना करण का काम है सराइकी सेहत को भी बाकी को भी। तो इन गाल के नाल मैं इजाजत की सकूँ, क्योंकि बहुत सारे मिले दोस्तों की गाल करनी है। बहुत शुक्रिया जी।